कौन रोक पाएगा तुम्हें अगर तुम रुकना ही ना चाहो? अरे कौन हरा पाएगा तुम्हें अगर तुम हारना ही ना चाहो? आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जीवन में कभी ना कभी वो छड़ाता है जब हमें अपने मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते हताशा का सामना करना पड़ता है, हमारे अनुसार परिणाम मिलते नहीं है, तब हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है, हम एक ही चीज सोचते हैं, छोड़ दू क्या यार, लगता है मेरे बस की नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा, शायद मेरे अंदर वो क्षमता ही नहीं। और ये सब सबके साथ होता है। जिसने भी आज जीवन में कुछ किया है, किसी मुकाम पर है, कुछ बड़ा कर रहा है, उसके साथ भी हुआ था ऐसा। तुम्हें क्या लगता है कि केवल तुम्हारे साथ है? तुम्हें परेशान होते हो, तुम्हें हताश होते हो, तुम्हें ही परिणाम ना मिलने पर छोड़ने का मन करता है? नहीं दोस्त, आज जितने भी टॉप परफॉर्मर है किसी भी फील्ड के, उन्होंने भी इस हताशा का सामना किया है। उन्हें भी कभी ना कभी लगा था कि छोड़ देता हूं, लगता है मेरे बस की नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैंने कुछ बड़ा करने का सोच लिया। लोगों को कभी ना कभी लगता है और तुम्हें भी लग रहा होगा, लेकिन हताश होकर, निराश होकर मैदान को छोड़ना तुम्हें जीत दिलाएगा नहीं, क्योंकि जिन्होंने जीत हासिल की है उन्होंने इस प्रकार की चीजों का सामना तो किया था, हताश हुए थे, परेशान हुए थे, गिरे थे, लेकिन मैदान नहीं छोड़े थे, तभी आज मुकाम पर है। तुम्हारी नजर में जो भी आज सक्सेसफुल हो उसने भी इस हताशा का सामना किया है। उसे भी कभी ना कभी लगा था कि मेरे बस की नहीं है, छोड़ देता हूं, क्या पड़ गया फालतू के चक्करों में, लेकिन उसने हार नहीं माना था। उसने गेम को क्विट करना, मैदान को छोड़ना चुना नहीं था। लगा था उसे कि छोड़ देता हूं, लेकिन यार उसके अंदर एक बात थी, जब भी वो छोड़ना चाहता था उसे एक ही बात याद आती थी कि यार छोड़ना ही था तो शुरू ही क्यों कर दिया था, आता ही नहीं मैदान में। और वही चीज उसे दोबारा प्रयास करने के लिए मजबूर करती थी। और आज बारी है तुम्हारी उस चीज को याद करने की, उस पहले दिन को याद करने की जब तुमने कदम बढ़ाया था अपने सपनों की ओर और सोचा था मचाऊंगा अपने नाम का शोर। तो क्या हुआ, हार जाओगे एक ही बार से, या उठोगे और पस्त करोगे मुश्किलों को, परेशानियों को अपने प्रहार से? यह हारने का समय नहीं है, एक योद्धा की तरह दोबारा उठकर खड़े होने का है। और तुम उठोगे, याद करो ना उस पहले दिन को जब खुद से वादा किया था शोर होगा मेरे नाम का, और रौद दो इन परेशानियों को, इन मुश्किलों को, इन बुरे हालातों को। तुम्हारे अंदर है दम, और न जाने कितने लोगों ने ऐसा ही दम दिखा के आज दमदार बने हैं। अब बारी तुम्हारी है, बस जरूरत है दोबारा खड़े होने की, दोबारा प्रयास करने की, और मैदान में डटे रहने की, जब तक तुम वो प्राप्त ना कर लो जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारा सपना है। अरे कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें अगर तुम उठकर दोबारा प्रयास करना चाहोगे, कौन आएगा रोकने तुम्हें? अगर तुम अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहोगे, कोई नहीं मेरे दोस्त सिवाय तुम्हारे बहानों के। मन नहीं करता, मेरे बस की नहीं है, मेरी परिस्थितियां खराब है, अरे उनकी भी थी जिन्होंने कुछ किया है, लेकिन वो डटे रहे, खुद में सुधार करते रहे, तब जाके जीत मिली है। तुम्हें भी यही करना होगा, तभी ना तुम्हारा नाम होगा, तभी ना तुम्हारी बात होगी, तभी ना लोग तुमसे प्रभावित होंगे, तुमसे मोटिवेट होंगे, कि ऐसे ही मोटिवेट हो जाएंगे कि गजब बंदा था यार, मैदान में गया, पहली हार में ही हार माल में मैदान छोड़ दिया। ऐसा नहीं सुनना चाहते ना? तो जैसा सुनना चाहते हो पहले वैसा प्रयास करना शुरू कर दो। लोगे बोले कि गजब बंदा था यार, गिरा हारा उठा, गिरा हारा उठा, और तब तक चलता रहा जब तक जीत मिल न गई। इस हताशा के बवंडर को काट दो अपने तलवारों से, परिचित कराओ दुनिया को
अपने बेहतरीन प्रहारों से। तुम यही चाहते थे ना कि दुनिया गुनगुनाए तुम्हारा नाम प्यार और सम्मान से। तो परास्त करो इन मुश्किलों को, इन परेशानियों को अपने अभिमान से। देर मत करो, लग जाओ अपने सपनों के पीछे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं।